領域展開。जब भी कोई स्मार्ट ऑथर या राइटर मैजिक या पावर सिस्टम बनाने के लिए पेन उठाता है तो ज्यादातर टाइम वो सिस्टम पूरी स्टोरी को एक लेवल ऊपर ले जाता है, चाहे वो वर्ल्ड बिल्डिंग हो, शो में प्रॉब्लम्स हो या वो कैरेक्टर्स जो पावर्स यूज कर रहे होते हैं। मॉडर्न शोनन में एक पावर सिस्टम है जो खास तौर पर अपनी क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए फेमस है, और वो है गीगे का कर्स्ड एनर्जी वाला सिस्टम जो हिट एनिमे और मंगा सीरीज जुजुत्सु काइसन में है। इस वीडियो में मैं कर्स्ड टेक्निक्स की बेसिक्स पर बात करूंगा और ये एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये टेक्निक्स कैरेक्टर और स्टोरी के पॉइंट से इतने जीनियस हैं। ये हमें एक क्रिएटिव विंडो देते हैं किसी भी कैरेक्टर की सोल को समझने के लिए जिनके कर्स्ड टेक्निक्स को हम एनालाइज कर रहे होते हैं। जेजेके का पावर सिस्टम ऐसे काम करता है जैसे दो अलग अलग आइडियाज एक साथ आते हैं और जो हमें मंगा या एनिमे में दिखता है उसे बनाते हैं। पहला है कर्स्ड एनर्जी, जिसे आप रियल वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी की तरह समझ सकते हो। सीजन 1 के एपिसोड 6 में गोजो इसी का एग्जांपल देता है जब वो यूजी को सिखा रहा होता है कि जुजुत्सु कैसे काम करता है। अगर आप एक ब्लेंडर को पावर स्ट्रिप में लगाते हो और फिर उसी स्ट्रिप में एक अलग आउटलेट से माइक्रोवेव लगाते हो तो दोनों मशीनें चालू हो जाएंगी, चाहे उनका काम अलग हो। माइक्रोवेव खाना गर्म करता है और ब्लेंडर मिक्स करता है। उसी तरह सुकुना का डिसमेंटल चीजों को काट देता है और मेगुमी के को शिकिगामी बुलाने का पावर देते हैं। कर्स्ड एनर्जी का एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकता है लेकिन उसका सोर्स एक ही है, जैसे कि माइक्रोवेव और ब्लेंडर दोनों को एक ही बिजली चलाती है। कर्स्ड एनर्जी अपने आप में बहुत क्रिएटिव और एक्सप्रेसिव ही है और शायद इस पर पूरा एक वीडियो बाद में बनाया जा सकता है, लेकिन इस वीडियो में हम ज्यादा फोकस कर्स्ड टेक्निक्स पर करेंगे। जो लोग स्टोरी के शुरुआती पार्ट्स में हैं उन्हें शायद ये पता ना हो कि कर्स्ड टेक्निक्स उतनी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती जितना पहले लगता है। ये पावर सिर्फ जेनेटिक मॉडिफिकेशन या किसी सुपरनेचुरल गिफ्ट की तरह नहीं होती, ये ज्यादा ऑर्डरली और स्पेसिफिक है। कर्स्ड टेक्निक्स खास तौर पर ब्रेन के राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में स्टोर होती है। ये सिर्फ वर्ल्ड बिल्डिंग का एक कूल डिटेल नहीं है, बल्कि इससे हमें चीजें और डीपली समझने का चांस मिलता है जब इसे आत्मा के कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं। जेजेके में आत्मा सोल एक बड़ा थीम है और ये काफी आसानी से महतो और उसकी कर्स्ड टेक्निक आइडल ट्रांसफिगरेशन के जरिए दिखती है। मंगा और एनिमे में जो कुछ हमने देखा है उसके बेस पर इस आइडिया पर काफी डिस्कशन हुई है, लेकिन वर्ल्ड ऑफ जुजुत्सु काइसन में सोल अब और भी साफ हो गया है। जुजुत्सु काइसन की दुनिया में आत्मा वो सब कुछ है जो किसी इंसान को बनाता है। ये उनके पर्सनैलिटी, आइडियोलॉजी, बिलीफ्स, ट्रेट्स, माइंडसेट और शरीर सबको कवर करता है। किसी के शरीर या सोल का शेप बदलने का आइडिया शिबुया आर्क से पॉपुलर हो गया जब दोजी की बॉडी को वापस लाया गया और उसकी सोल भी वापस आई, या फिर ये तब सामने आया जब पता चला कि उसकी बॉडी काकू के कंट्रोल में थी। संक्षेप में ऐसा लगता है कि जेजेके की वर्ल्ड बिल्डिंग और पावर सिस्टम एक दूसरे से जुड़कर हमें ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि किसी की सोल कैसी है। ये ऐसा है जैसे गीगे कह रहा हो कि किसी का कर्स टेक्निक उनकी सोल का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। इस नजरिए से हम कैरेक्टर को शुरू से ही समझ सकते हैं, क्योंकि उनके कर्स टेक्निक्स के बारे में जानने से हमें उनकी सोल और फिर उनके कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। कुछ के लिए ये आसानी से समझ आता है जबकि कुछ दूसरे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। गोजो का लिमिटलेस उसकी आइसोलेशन का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है जो उसने दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होने की वजह से झेली है। इस बात का आइडिया की मॉलिक्यूलर लेवल पर कुछ भी उसे टच नहीं कर सकता, सोसाइटी में उसकी हालत को दिखाता है। सीजन 1 के एपिसोड 6 में गोजो का गोल है एक ऐसा वर्ल्ड बनाना जहां और लोग उसके साथ लड़ सके बिना उस इन्फिनिट गैप के। युता ओकोत्सु की कॉपी टेक्निक भी इस बात को दिखाता है कि वो दूसरों से अपना रिश्ता बनाकर अपनी लाइफ को जस्टिफाई करता है, और उसकी कर्स टेक्निक्स इसी को दर्शाती है। टोटो और मेगुमी के केस थोड़ा अलग है। बूगी वूगी एक टॉप 3 सपोर्ट टेक्निक है और टोटो का पर्सनैलिटी और काइंडनेस सपोर्ट रोल में फिट बैठता है। उसकी कर्स टेक्निक्स और हाई आई क्यू ये सब
दिखाती है। इन सभी एग्जाम्पल से ये साफ हो जाता है कि गेटो का कर्स मैनिपुलेशन, इनुमाकी का कर्स्ड स्पीच और हेवनली रिस्ट्रिक्शंस भी आत्मा की खिड़की वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। गीगे की स्किल, जिसमें वो वर्ल्ड बिल्डिंग और पावर सिस्टम की क्रिएटिविटी को कैरेक्टर्स की इनसाइट के साथ मर्ज करता है, बेहतरीन राइटिंग और कंटिन्यूटी का एकदम सही उदाहरण है। अगर कोई खास कैरेक्टर है जेजे गेम में जिसके बारे में आप और जानना चाहते हैं, या कोई और पावर सिस्टम जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो, तो हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग बोल्ड ई। शारिंगन पर इस वीडियो को चेक करो, जहां मैंने समझाया है कि शारिंगन क्या है, एंड आई विल सी यू देयर।